नमस्कार आदाब, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, खुशामदीद और इस्तकबाल आप तमाम लोगों का, तमाम व्यूअर्स का हमारे इस उमंग स्टडी चैनल पर। आप तमाम लोगों का हम लोग दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। तो आइए गाइस, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही खास चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार मेरी इल्तिजा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है भैया कि थोड़ा सा यार एक्सेप्ट मतलब लाइक वगैरह कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों यारों को भी फैलाओ यार कि आप उनकी भी मदद हो जाएगी, कोई भला हो जाएगा, उनका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है, और अपना भी फायदा हो जाएगा और वैल्यू ऐड करना चाहिए लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं और सेशन की बात करते हैं। सेशन में बात है क्या, चीज़ क्या बात करने वाले हैं, तो बहुत ही खास बात करने वाले हैं। कल रिजल्ट आ रहा है हमारा, आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, आप लोग खुश तो हम खुश, यानी कल पैरामेडिकल का रिजल्ट आ रहा है। 5 तारीख है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से आप देखना शुरू कर दोगे तो दिल की जो धड़कन है बहुत तेज हो जाएगी 10 बजे के बाद। इसीलिए थोड़ा सा पानी वानी लेके बैठना, आराम से खाना पीना, रिलैक्स करना, अब तो जो होना था होगा, रिजल्ट क्या करेगा, ठीक है। तो अरे तो आप करना क्या होगा, रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट देखने के बाद ऑब्जेक्शन वगैरह भी करने के मन में तो आ रहा होगा भैया, क्योंकि बातें तो चल रही होंगी। तो सबसे पहले देख क्या ऑब्जेक्शन का फायदा होता है, तो पहले ये है ऑब्जेक्शन का, क्योंकि 50 रुपए लग रहे हैं एक ऑब्जेक्शन पर, ठीक है। ये बात अलग है कि रिफंडेबल है, अगर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया गया है और आप बिल्कुल सही हो गए तो आपके 50 रुपए जो है ना जिस बैंक से कटे थे वापस उसी बैंक में वापस कर दिए जाएंगे। तो बात अब ये है क्या ऑब्जेक्शन करना चाहिए है, क्या ऑब्जेक्शन करने के बाद गवर्नमेंट हमारी RRB हमारी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। तो मैं एक आपको डेमो दिखाता हूँ, ये डेमो है RJE वालों का। अभी जस्ट आपसे एक पिछले लास्ट मंथ है जुलाई के अंदर रिजल्ट आया था, उसमें से मेरे एक ही व्यूअर था, ये इंजीनियरिंग वालों का है, कोई बात नहीं है तो RRB का ही ना। तो उन्होंने कुछ दो क्वेश्चन पर रेज किया था, दो क्वेश्चन पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। क्वेश्चन वन का उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, 50 रुपये पे किया ऑप्शन था, कैसे ऑब्जेक्शन करना है वो अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या करना है। तो पहले ये देख लेते काम होता या नहीं होता यार, ये तो बता दो पहले। तो उन्होंने दो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया, ध्यान से सुनना, और उन्होंने एक का जवाब भी दिया था, ये बिल्कुल जवाब दिया था कि भैया आपने जो ऑब्जेक्शन किया है ना वो हमने चेक कर लिया है और आपका जो है वो आपको एक मास दे दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन ये था कि अगर आयोडीन को ऐड किया जाएगा पोटैटो के साथ देन तो भाई ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, इसीलिए आपको एक मास मिल दिया जाएगा, ठीक है, इनको एक मास मिल गया। अगला क्वेश्चन कहा कि देखो आपने जो क्वेश्चन एनालाइज किया है तो हम लोगों ने इसके ऊपर गौरवफिक्र किया, गौरवफिक्र करने के बाद यार इसके जो ना एक से ज्यादा आंसर सही थे, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर सही थे तो आपको भी इसके लिए एक मार्क्स मिलेगा, तो आपको 2 मार्क्स बढ़ दिए जाएंगे। अब एग्जाम के अंदर है ना किसी का 60 अगर कट ऑफ जा रहा है, 58 आ रहे हैं, तो उनका तो यार यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा ना, अगर इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया होता तो ऐसे ही पार हो जाते, और जे वाले की गाड़ी कुछ ऐसे ही है, कश्मकश में चल रही है, पता नहीं कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो इस तरह से ऑब्जेक्शन के फायदे होते हैं, आप लोग भी ऑब्जेक्शन करोगे, मैं सबको कहता हूँ, आप लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर करना जिस पे भी थोड़ा सा डाउट है। इसीलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, इस नंबर से आप जुड़ जाओ 7543812183, और जुड़कर बोलो कि सर हमको जो हमको भी ऐड कर लीजिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं दूं और तो आप हमसे बोलना यार सर ऐड कर दो ना हमें, ताकि आपस में एक दूसरे से बात करें और फिर ऑब्जेक्शन करने में आसानी होगी। दूसरी बात है यार मैं छोटा भाई की तरह हूँ या बड़ा भाई, जो भी जिसका, अगर कोई हमसे बड़े तो मैं उनका छोटा हूँ, अगर कोई हमसे छोटे तो मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो किसी को भी किसी भी चीज़ को लेकर, कोई झिझक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आराम से कोई आप आपकी खिदमत में हाजिर हो यार, तो बस आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते करते कैसे हैं, अब देखो ऑब्जेक्शन कैसे करते हैं। 5 तारीख होगा, जैसे ही 10 बजेगा आप अपना आंसर, अपना रोल नंबर वगैरह, अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे। क्वेश्चन पेपर कैसे देखेंगे, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा, जो भी आपको रोल नंबर मांगेगा तो आप दे देना, वो आपके पास होगा। क्वेश्चन खुलेगा, क्वेश्चन पेपर व्यू होगा, बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन हाजिर हो जाएगा। क्वेश्चन हाजिर होने के बाद कैसे क्या होगा, बोला कि जो सही आंसर होगा उसके तो ग्रीन कलर का होगा, वो ग्रीन से हाईलाइटेड होगा, मतलब वो ग्रीन से आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल सारे सही होगा, ठीक है। जो आपने चुने होंगे ना वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है, ये आपका ब्लू कलर का होगा जो आपने चुने होंगे। अगला चलते हैं, अगर आपने जो भी रेज नंबर ऑफ, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो कितना नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करना है वो आपको भरने होंगे, ठीक है। अगला चलते हैं कि यू हैव टू सेलेक्ट द रिलेवेंट कैटेगरी ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स, वही चीज है, आपको जिसका भी करना है तो
टिक करना होगा कि मुझे इसका करना होगा। एक बेसिकली वहाँ पर इस तरह का एक ऑब्जेक्शन का एक वो होगा, आप उसमें भरोगे क्वेश्चन नंबर इतना, फिर आपको चलो अभी देखते हैं आगे आगे मिल जाएगा। द ऑब्जेक्शन मस्ट रजिस्टर्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में होगा पता है सबको। और ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड ओनली अगेंस्ट क्वेश्चन एंड देयर अल्टरनेटिव, चलो ये भी पता हमें। चलो ऑब्जेक्शन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर, अगर एक बार आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, जैसे कि मुझे 51 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे डाउट है भैया कि रेलवे ने जो ए को सही ठहराया है ना ये गलत है, मेरा आंसर जो था बी वो बिल्कुल सही है, मान लो सपोज ऐसा हुआ, तो आप क्या करोगे 51 नंबर क्वेश्चन को बॉक्स में टिक करोगे और प्रोसीड करोगे, तो आगे बढ़ जाओगे, एक बार पेमेंट वगैरह करोगे अभी आगे बताएंगे, तो एक बार प्रोसीड हो जाएगा तो वापस जाओगे इसको एडिट कर ले यार ये नहीं 51 नहीं 50 वाला था, अरे 50 करना था मुझे, मैंने तो अकाउंट कर दिया, मैं एडिट कर लेता हूँ, आप एडिट नहीं कर सकते, बस यही बता रहा है। अगला चलते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है, यू हैव टू इंटर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ए क्वेश्चन इन ऑब्जेक्शन फील्ड, चलो वही बार बार रिपीट, कैन क्लिक ऑन द एड ऑब्जेक्शन पर आंसर आएगा, मतलब आपने क्या किया 51 पे कर लिया और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड ऑप्शन पे आएगा वहाँ पर ऐड कर सकते हो, एक कॉलम मिलेगा एक बॉक्स मिलेगा उसके अंदर आप अपना एडिशनल जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। एक बार वंस ऑल ऑब्जेक्शंस आर इंटर्ड यू सेलेक्ट सेव एंड प्रोसीड, आपने मान लो कि 50 नंबर पर भी ऑब्जेक्शन कर दिया, 25 पर भी ऑब्जेक्शन कर दिया, 20 पर भी कर लिया, तीन क्वेश्चन पर आपने ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन करने के बाद अब आपको आएगा सेव एंड प्रोसीड। अब भैया जब एक बार सेव और प्रोसीड कर दोगे तो फिर क्या होगा, ये पेमेंट की द्वार तक पहुंचा देगा आपको, और फिर एक ऑब्जेक्शन के लिए आपको ये करने होंगे 50 रुपये, तो अगर आपने तीन क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया है तो आपको 150 रुपये जो है ना डेब से ढीली करने पड़ेंगी, तो उस दिन थोड़ा पॉकेट वॉकेट मतलब अकाउंट वगैरह ना पैसा लेके बैठना यार बहुत ज़्यादा। चलो इफ़ योर ऑब्जेक्शन इज फाउंड बी करेक्ट, अगर आपका आपने जो भी ऑब्जेक्शन किया था, जो कि उम्मीद है कि आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही होगा, हमारी दुआ भी है और हो भी क्योंकि आपने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, तो बस थोड़ा सा एक स्टेप की बात है बस, फिर तो चांदी चांदी हो जाएगी। देन द अमाउंट पेड विल बी रिफंडेड टू द अकाउंट फ्रॉम द पेमेंट मेक आफ्टर डिडक्टिंग द बैंक चार्जेज, भैया एक बार अगर मतलब जिस बैंक से आपका जहाँ से आपने पेमेंट किया था उस बैंक से क्या है आपका पैसा कटा था, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही हुआ वो पैसा एज इट इज जैसा कटा था वैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई इसमें कोई हरज नहीं, कुछ नहीं काटेगा वो फिर, ठीक है ना। लेकिन वंस ऑब्जेक्शन आर इंटर्ड एंड पेमेंट इज मेड नो न्यू ऑब्जेक्शन कैन बी एडेड फर्दर, एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया, मान लो आज मैंने 51 नंबर का पे किया, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सबमिट भी कर दिए, ठीक है, सबमिट करने के बाद फिर मैं चाय वाय पीने लगा, फिर मुझे याद आया चाय पीते यार क्वेश्चन नंबर 40 को भी ना मुझे ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए, अब मैं खोल रहा हूँ तो अब मैं नहीं कर सकता, इसीलिए सोच समझ कर ऑब्जेक्शन करना और एक ही साथ करना, जितना बार करना पहले सोच लेना अच्छे समझ लेना, और चलो तो यही सारी चीजें मुझे बतानी थी ऑब्जेक्शन के बारे में, और थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन वगैरह हो आप हमसे बात कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप हमारी मदद ले सकते हो, यार बच्चा खिदमत के लिए हाजिर है तो फिर खिदमत उठाओ ना, फायदा उठाओ ना यार। तो ये था आज के सेशन और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और किसी भी तरह कोई भी डाउट हो मैंने नंबर दे दिया, आप बिला झिझक अपना भाई की तरह अपने फैमिली के हिस्से की तरह आप हमसे बात कर सकते हो, हम लोग हमें खुशी होगी अगर आप लोग अगर हम आपकी मदद कर पाए तो, लेकिन लाइक वाइक कर दिया करो, अब ये कहना ना पड़े ना फिर, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और मुझे उम्मीद है कल बहुत सारी खुशियां देखने को मिलेगी और आप लोग पक्का खुशी होगी, हमारी यही तमन्ना भी है ख्वाहिश भी है कि ऊपर वाला आप तमाम लोगों को खुश रखें और अच्छे सबके अच्छे मार्क्स आए, सबके अच्छे मार्क्स आए, और बाकी जो होगा बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगा, सबसे पहले जैसे बोला ना क्या उमंग श्री ना बहुत बड़ा ऑथेंटिक ये है, तो मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन देती है, तो आप कर लियो करो, सब्सक्राइब वगैरह कर लो, दोस्तों वगैरह को बता दो, एक बार फिर से मैं लास्ट में बता रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग आगे के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, हैव ए नाइस डे, लव यू, एंड और क्या कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर देना यार।